हेलो वेलकम यार, मैं हूमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ बॉलीवुड कक्षा में। और आज मेरे साथ है इस पे लिखा है भरती है बार बार मेरे साथ है मेरा रफ्तार मुझसे ज्यादा इस पे मरती हूँ की गारंटी है मेरी। हाँ जी बताओ। आज मैं पता है बहुत खुश हो गया, फाइनली मैं अपने भाई से मिल गया हूँ। नागपुर आके कैसा लगा? नागपुर आके बहुत अच्छा लगा यार। मेरी तो रिसेप्शन इतनी अच्छी हुई कि मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, और अनजान शहर है, मैं कभी आज से पहले आया नहीं हूँ, दिल्ली बेस्ड बंदा हूँ। तो बाहर बच्चे खड़े हुए थे, किसी ने फ़ोन के पीछे फोटो लगा रखी थी, किसी ने कुछ। तो ये वाला जो प्यार मिलता है ना, ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। जब ऐसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से असली कमाई है ये। गाड़ियाँ तो हैं घर पे चादरों के नीचे। अच्छा, रैपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे बता, आप ये बोलोगे कि मुझे आर्ट बहुत पसंद है, लेकिन पर इन सब में देखा जाए तो रैप ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मैं सेकंड क्लास से करता आया हूँ। राइमिंग करता था, नाइन्थ में जाके पता लगा कि यार राइमिंग से ही रैपिंग थोड़ी निकलती है। उसी गलत फहमी में रैपिंग करने लग गया और आज रफ्तार बन गया। अच्छा, ये बताइए कि राइमिंग करना ही क्या रैपिंग है? नहीं नहीं, राइमिंग का स्ट्रक्चर तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ राइमिंग करना रैपिंग नहीं है, उस स्ट्रक्चर को आप कैसे माउल्ड कर सकते हो। आप किसी भी डिफरेंट वर्ड को, जैसे लोग कहते हैं, एमिनेम ने भी प्रूफ किया था कि ऑरेंज के साथ ज़्यादा वर्ड्स मैच नहीं होते, ऑरेंज फॉर रिवेंज, तो ये दो वर्ड हमने अलग से जुड़े फॉर रिवेंज। तो वो हाउ डू यू माउल्ड अ वर्ड, उसको आप कैसे तोड़ सकते हो, तो वो भी एक कला है। उसका फ्लो है, उसके बहुत स्ट्रक्चर्स हैं, पैटर्न्स, सिलेबल्स, मल्टाइज। रफ्तार एक अच्छा रैपिंग शुरू हो जाएगा, मुझे पता पीछे गाना चल रहा है, लेकिन आपकी रैपिंग साथ में। अच्छा अच्छा गुम है मैं क्या करूं यार, आप बताओ। कोई भी, कोई भी। तिल तेरे गाल का ऑल ब्लैक, रंग तेरे बालों का ऑल ब्लैक, चढ़ती है मुझे धीरे धीरे आंखें मेरी लाल, तू माल है ऑल ब्लैक, हो दैट तुहे देने वाली काफी लड़कों को मेरी जाना हार्ट अटैक, सब देते तुझे नंबर पर बस मुझको ही करती तू कॉल बैक। ये सही बात है, ये गाना सुनने के कितनी लड़कियां कॉल बैक कर चुकी है। मैं बता नहीं सकता, शादी हो चुकी, क्यों मरवाना चाहता है तुझे। बहुत लड़कियों को ये पता नहीं है कि रफ्तार की शादी हो चुकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी रियलाइज नहीं हो पाता है, मेरे को भूल जाता हूँ। ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्दी शादी कर ली रफ्तार ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है, जब आप आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपको अटेंशन बहुत ईजिली मिलती है, पर वो अटेंशन आपको नहीं मिल रही है, आपके अंदर कोई इंसान को नहीं मिल रही है, वो उस नाम को मिलती है। तो मैंने उससे शादी करी जो 5 साल से मेरी दोस्त थी और जो मेरे को पहचानती थी तब से, जब से मैं स्ट्रगल कर रहा था। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा डिसीजन वही था ना, वेरी हैप्पी अबाउट। अच्छा, मतलब रफ्तार ने जो 5 साल दोस्ती करने के बाद शादी किया, मतलब कहीं ना कहीं प्यार आप दोनों के बीच बहुत सारा था। हाँ, मतलब तो आप प्यार, वो दोस्ती बहुत अच्छी थी, वो गैप था, वो सब कुछ था। कभी ऐसा नहीं था कि हम डेट पे गए या कुछ भी, बिल्कुल ऐसा वो फिल्मी स्टोरी कुछ भी नहीं थी। पर यही था कि शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। वो बहुत बहुत अच्छी फैमिली से थी, कभी उसने मेरे को ऐसे नहीं बोला कि और गुड फॉर नथिंग या कुछ भी। लोग आपको जज करते हैं, जब आपके पास अचानक से पैसा आ जाता है तो अचानक से रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, पर उसका ये वाला हिसाब नहीं था। शी वॉज वेरी प्योर विद हर इंटेंशंस, और वही कहानी आगे बढ़ गई। क्या बात है। तो बॉलीलैंड में आज आप नागपुर में आओ परफॉर्म करने वाले हो, तो सारी लड़कियाँ वैसे भी बेसब्री से आपका इंतजार करिए। क्या कहना चाहोगे नागपुर के यूथ से? मैं नागपुर के यूथ से सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो हर जगह कहता हूँ, कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, सपने देखना मत छोड़ना। मैं भी बहुत छोटे घर से आया हूँ, पर आज रफ्तार हूँ, क्योंकि आपका प्यार है तो रफ्तार है। वैसे ही आपने बेशुमार काम करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्या बात है। और मैं मान और मेरे रफ्तार मेरे भाई यहाँ से लेते अलविदा, मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। तिल दैन रफ्तार, किसी नई शक्ल के साथ।